नमस्कार मित्रों, आज का वीडियो जो हम लोग खाना खाते हैं या कुछ भी खाते हैं उसका स्वाद हम लोगों को पता चलता है, इससे संबंधित है, इसके लॉस से संबंधित है, स्वाद का पता लगना बंद हो जाना। तो इस वीडियो में मैं स्वाद कैसे पता लगता है ये सब कुछ बताऊंगा, और स्वाद पता लगना बंद हो गया तो कैसे ठीक होगा इसके मैं बारे में बताऊंगा, और वो पूर्णतया आप सभी इसका लाभ ले पाएंगे। इसी चैनल पर कुछ समय पहले गंध नहीं मिलने के कारण गंध को फील नहीं कर पा रहे थे, इस पर वीडियो बना और बहुत ही लोग लाभान्वित हुए। बहुत सारे कमेंट हम पर आ रहे थे कि स्वाद लॉस का, टेस्ट लॉस का वीडियो बनाया जाए। तो लीजिए, आप सभी के सामने प्रस्तुत है मित्रों, बहुत ही प्रभावी और बहुत ही उपयोगी यह वीडियो होने वाला है। इसलिए इस पर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें। स्वास्थ्य से संबंधित वीडियोज हर सप्ताह इस चैनल पर डाले जाते हैं, और कमेंट और लाइक भी अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वाद हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगर किसी चीज़ का स्वाद हमें नहीं प्राप्त हो तो निश्चित रूप से हमारा आनंद समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि स्वाद कैसे प्राप्त होता है। हाइपोग्लोसल नर्व स्वाद का नर्व कहा जाता है, जो कि मस्तिष्क के आधार से शुरू होकर गर्दन होते हुए हमारे जीभ के आधार अंदर की तरफ और जीभ के नीचे के तक जाता है, और इससे हमें स्वाद की अनुभूति होती है। यह नर्व मांसपेशियों को के गति को नियंत्रित करने के लिए मस्तिष्क तक मैसेज पहुंचाने का कार्य करता है, और इसी के साथ साथ ग्लोसोफारिंजियल नर्व जीभ और तालू के तीसरे अंतिम भाग अंदर की तरफ, वहाँ पर उत्तेजना उत्पन्न करती है जिससे हमें संवेदना महसूस होता है और हम स्वाद का आनंद ले पाते हैं। इसी उत्तेजना के क्षीण होने और संवेदना के महसूस करने में कमी आने पर हम सभी को स्वाद का अनुभव नहीं होता है, जीवन नीरस टाइप का लगता है। क्योंकि कोई भी खाद्य पदार्थ, चाहे पौष्टिक हो या टेस्टी हो, उसका टेस्ट हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं। यह भी तीन प्रकार से इसको हम लोग डिफाइन करते हैं मेडिकल साइंस में। एज्यूसिया, एज्यूसिया में इसमें स्वाद की अनुभूति पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। किसी भी तरह का भोज्य पदार्थ हम लेते हैं तो हमें फील ही नहीं होता है कि इसका स्वाद क्या है, लेकिन यह रेयर होता है, बहुत ही दुर्लभ है, किसी किसी को यह होता है। डिसज्यूसिया दूसरा आधार है, डिसज्यूसिया, इसमें मुंह में लगातार स्वाद बल रहता है, लेकिन कोई भी खाद्य पदार्थ हम सेवन करते हैं, हम लेते हैं, खाते हैं, तो एक जैसा ही स्वाद समझ में आता है, तो इस स्थिति को डिसज्यूसिया कहते हैं। और तीसरा हाइपोज्यूसिया, इसमें पीड़ित व्यक्ति प्रमुख जितने भी तरह के स्वाद होते हैं, कई तरह के स्वाद होते हैं, तीता, मीठा, खट्टा, कई तरह के स्वाद होते हैं, तो हर तरह के स्वाद में से किसी एक तरह का स्वाद जब फील नहीं होता है तो ऐसे को हाइपोज्यूसिया कहते हैं। इसके अलावा भी कई सारे कारण हैं, जैसे श्वसन तंत्र में संक्रमण। अब श्वसन तंत्र में संक्रमण होने के कारण सामान्य सर्दी, किसी को सर्दी हो जाए, या कोविड-19, अभी कोरोना काल से हम लोग गुजरे हैं, कोविड-19 में ये बहुत स्थिति रही श्वसन संक्रमण के कारण। साइनस का संक्रमण, दांतों की समस्या, मसूड़ों में सूजन, सिर में चोट या मुंह वाले क्षेत्र में कैंसर होने के कारण उसकी विकिरण चिकित्सा करने से भी
स्वाद चला जाता है, स्वाद का अनुभव हम लोग नहीं ले पाते हैं, जीवन नीरस हो जाता है। लेकिन अब घबराने की आवश्यकता नहीं है। इलेक्ट्रो एक्यूप्रेशर चिकित्सा द्वारा पुनः हम लोग अपने स्वाद को प्राप्त कर सकते हैं और खाने का, भोजन का आनंद ले सकते हैं, जिस प्रकार उस वीडियो में गंध पर बनाया और लाखों लोगों ने फायदा उठाया, उसी प्रकार गंध नहीं आ रहा था और लोगों को गंध आने लगा, उसी प्रकार इस वीडियो में स्वाद अगर नहीं आ रहा है तो स्वाद मिलने लगेगा और आप आनंद फील करेंगे। इसमें इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर चिकित्सा का चार बिंदुओं के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। इन चारों बिंदुओं पर आप लेजर पेन से उस पर दो दो मिनट तक देना है, इसको ऑन कर लेंगे और जितना पेशेंट को अच्छा लगता है उतना पावर बढ़ाएंगे। इसमें एक से लेकर नौ तक पावर बढ़ता है, दो तीन पेशेंट को जितना अच्छा लगता है उतना पावर पर देंगे हम लोग। तो पहला पॉइंट, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है UB10। यह हमारे सिर के पीछे में पाया जाता है, यह हेयर लाइन है, हेयर लाइन से 1.3 चून बगल में, ये पॉइंट UB10 कहलाता है। इस पॉइंट पर दो मिनट तक हम लोग इस लेजर पेन से चिकित्सा करेंगे, बहुत ही प्रभावशाली फायदा होता है। दूसरा पॉइंट TW22 है, यह भी अत्यंत प्रभावशाली बिंदु है और यह बिंदु, यह कान के ठीक आगे इस स्थान पर, यह TW20 बिंदु है। यहाँ पर भी हम लोग इस तरीके से दो मिनट तक इसकी चिकित्सा कर सकते हैं, करना है। तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ND4। ND4 हथेली के पिछले हिस्से में, एक हड्डी, दो हड्डी, तीन हड्डी और ये चौथी हड्डी के लास्ट में, इस उंगली में चौथी हड्डी के लास्ट में यह पॉइंट ND4 है और यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर दबाव देना है। और चौथा पॉइंट है ST5। ST5 पॉइंट चेहरे के इस स्थान पर पाया जाता है, इस पर भी हम लोग इस प्रकार लेजर से दो मिनट तक देंगे। निश्चित रूप से यह बहुत ही उन लोग के लिए बेनिफिशियल यह वीडियो है जिनका स्वाद चला गया है, चाहे वो तीन तरह में से किसी भी प्रकार का हो, और जो नर्व्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और जहाँ उत्तेजना प्राप्त होनी है और संवेदना से स्वाद का अनुभव होना है, वो सब कुछ हम लोग का वापस लौट करके आएगा और हम लोग जीवन का आनंद स्वाद के रूप में ले सकेंगे। तो ज़रूर शेयर करें और जनमानस के लाभ पहुंचाने में मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।